हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये सेट्स का 11वां लेक्चर है। हमने सेट्स में अभी तक एक्सरसाइज 1.5 तक कर लिया था, वेन डायग्राम वगैरह देख लिए थे, 1.5 तक कर लिया था, सेट्स सब सेट्स वगैरह पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.6 करवाऊँगा मैं आज आपको। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 से आप क्वेश्चन आज करेंगे, तो देख लेते क्वेश्चन। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल के बैठ जाइए। ठीक है, तो देखते सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का क्या बोल रहा है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, क्या बोल रखा है, एक्स और वाई दो सेट दे रखे हैं जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स आपको दे रखा है 17, साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई आपको दे रखा है 23, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इन यूनियन वाई एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई वो आपको कितना दे रखा है 38। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारा फॉर्मूला था, वैल्यूज पुट करो, एक्स यूनियन वाई की 38, एक्स की 17, इधर 23, हमें ये निकालना है। इस वाले को हम इधर ले चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो हमारा क्या जाएगा 17, 23, 30, 40, ये हमारा प्लस 38 इधर आके माइनस 38, क्या आ गया हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा 2 आ गया, हमारा 2 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट्स दे रखे हैं, इसमें भी क्या बोल रखा है, एक्स यूनियन वाई जो कितने हैं बता रखा है आपको, एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एक्स यूनियन वाई में दे रखा है, साथ ही साथ एक्स के पास कितने एलिमेंट है बता रखा है 8 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स आपके पास कितने 8। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई भी दे रखा है आपको, कितने आपको 15। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या फॉर्मूला था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अच्छा, हम इसको इधर ही कर लेते पहले ही। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, जैसे इस वाले को चाहे इधर ले आओ चाहे इस वाले को इधर ले आओ, बात हमारी बराबर ही है। तो हम इसको इधर कर लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, कितना दे रखा है सारी वैल्यूज पुट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई आपका 18 दे रखा है, सॉल्व करो इसे, कितना आएगा माइनस 3 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको क्या दे दिया 5, नोट कर लो इसे, मैं रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, रब कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे क्या बोल रहा है। अच्छा, मान लेते हैं, लेट एच बी द पीपल, लेट एच बी द पीपल स्पीक हिंदी, हमने मान लिया, लेट एच मान लेते हैं उसको। ठीक है, हमने एच मान लिया, एक मिनट रुकना, वीडियो शायद ठीक है, हमने इसे एच मान लिया, साथ ही साथ लेट ई वी द
पीपल स्पीक इंग्लिश, हमने इंग्लिश जो बोलने वाले हैं उनको हमने ई मान लिया, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, 400 बंदे दे, 400 पीपल है, तो 400 पीपल में से क्या बता रखा है, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक इंग्लिश, 400 पीपल है, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 400 लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, और का मतलब यूनियन, और हिंदी में हमने क्या माना था एच, और का मतलब यूनियन, इंग्लिश को हमने ई माना था, तो हमारे कितने हैं 400, यानी कि एच यूनियन ई हमने 400 दे रखा है। उसके बाद नंबर 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ हिंदी कितने बोल सकते हैं 250, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। ये 400 मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे बता रखा है 400 पीपल है, 400 पीपल कौन से होंगे, या तो 400 के 400 या हिंदी बोलते होंगे उनमें से, या फिर इंग्लिश बोलते होंगे, या मतलब और लगाया तो यूनियन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं आपसे, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्या पूछ रहे हैं आपसे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड का मतलब हम क्या लगाते थे, इंटरसेक्शन, हिंदी का हमारा एच, ई का हमारा ई, यानी कि हमें ये निकालना है, लगाओ फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई, हमें ये निकालना है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई, वैल्यूज पुट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच 250, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 200 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई 400 दे रखा है, कितना आ गया 450 माइनस 400 कितना आ गया 50, एच यूनियन ई आ गया हमारा 50, यानी कि क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी इन इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने बच्चे बोल सकते हैं, 50 बच्चे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लो, इसे पॉज करके नोट कर लो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहे हैं आपसे, एस एंड टू आर टू सेट्स, क्या दे रखा है आपने, एस और टी आपको दो सेट्स दे रखे हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट दे रखा है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस दे रखा है आपको 21, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी दे रखा है आपको कितना था 32, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इंटरसेक्शन टी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इंटरसेक्शन टी आपको दे रखा है 11 दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यूनियन टी, सेम फॉर्मूला, ये निकालना है आपको, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी, हमें क्या निकालना है, यूनियन टी निकालना है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, एस यूनियन टी हमारा क्या जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 21 माइनस में हमारा 11 उधर था ही, कितना आ गया हमारा 11 10 42, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी 42, कितना आ गया हमारा 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोल रखा है, If x and y two are sets such that number of element in x has 40 elements, क्या बताया, x और y दो sets हैं जिसमें कि number of element in x आपको दे रखा है 40, x union y दे रखा है 60,
साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y दे रखा है, इस बार कितना दे रखा है x इंटरसेक्शन y 10 दे रखा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y पूछ रहा है। फॉर्मूला लगाओ दोबारा, क्या है हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ये हमारा फॉर्मूला है, क्या क्या इसमें दे रखा है, x यूनियन y की वैल्यू 60 दे रखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y हमें निकालना है और ये हमें 10 दे रखा है। इधर ये 10 हमारा प्लस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 70, 40 प्लस एन वाई नंबर ऑफ एलिमेंट y, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन y क्या हो जाएगा हमारा 70 माइनस 40 यानी कि 30। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो इसे पॉज करके, देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोल रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, फिर से ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी 52 लाइक टी, क्या बोल रखा है। अच्छा पहले इसमें लिख लेते हैं, लेट टी बी द पर्सन या पीपल, लिख लेते हैं टी बी द पीपल लाइक टी, चाय को पसंद करने वाले टी है, लेट सी बी द पीपल लाइक कॉफी, कॉफी को पसंद करने वाले को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है ठीक है। अब इसमें देखा रखा है ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स दे रखा है, इसका मतलब उसमें या तो टी चाय भी पीते होंगे या फिर कॉफ़ी भी पीते होंगे, ये तो समझ में आ गया कैसे लिख दिया मैंने, या तो वो जो 70 जो लोग हैं उसमें से या तो चाहे वो चाय पीते होंगे या तो वो कॉफ़ी पीते होंगे, कितना हो गया वो 70। उसके बाद 37 लाइक कॉफ़ी, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हमारे कितना आ गया 37 कॉफ़ी लाइक पसंद करते हैं, टी हमारे दे रखा है कितना पसंद करते हैं 52। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, क्या बोल रखा है, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, क्या था क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है, ईच एटलीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। अच्छा इसमें आपको ये दे रखा है, इसमें आपको ये बता रखा है, जो सब जो लोग जो हैं मतलब जितने भी 70 लोग हैं, 70 लोग जो हैं कम से कम एक ना एक चीज चाय पीते हैं, अगर कोई कॉफ़ी जरूर मतलब चाहे तो कम से कम कॉफ़ी तो पीते ही हैं या फिर टी तो पीते ही हैं, इन दोनों में से एक ना एक तो इन दोनों में से एक चीज़ तो वो पक्का पीते हैं या फिर दोनों भी पी सकते हैं, जो हमारे पास 70 लोग हैं उसमें तो चाहे वो कॉफ़ी भी पी सकता है कोई भी या तो फिर टी भी पी सकता है या फिर कोई कोई दोनों भी पी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं इसमें जो 70 में से कोई भी जो इन दोनों में से कोई भी ना पीता हो, ठीक है 70 में से ऐसा कोई भी नहीं है जिस या तो फिर वो कॉफ़ी ना पीता हो या फिर वो टी ना पीता हो, 70 में हर एक बंदा, जैसे कोई 70 में एक बंदा हो गया जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करता है, दूसरा बंदा हो गया सिर्फ टी पसंद करता है, तीसरा बंदा कॉफ़ी, चौथा बंदा जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है यानी कि 70 के 70 बंदे या तो चाय पसंद करते हैं या तो मतलब 70 के 70 बंदों में से कोई कॉफ़ी को पसंद करता है या फिर टी को पसंद करता है या फिर कोई दोनों को ही पसंद करता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है इनमें से जो चाय और कॉफ़ी ना पीता हो, ठीक है सारे पीने वाले, ठीक है। तो क्या अब इसमें पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी कि कितने बंदे जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी कि बोथ यानी कि ये आ जाएगा इंटरसेक्शन, बोथ टी एंड कॉफ़ी इंटरसेक्शन आपको कितना दे रखा है, अच्छा ये आपको निकालना है, ठीक है निकालते फिर, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज़ टू नंबर ऑफ टी प्लस में नंबर ऑफ सी माइनस में नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, कितना है टी यूनियन सी आपका 70 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 52, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 37 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, इस वाले को हम इधर ले आते हैं, कितना आ गया दोनों को ऐड कर दो 7 2 9 5 3 8 ये हमारे 70 इधर आ जाएगा माइनस 70 कितना आ गया 19,
क्या आ गया हमारा 19 लोग जो हैं चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है, यानी कि 37 लोग तो हमारे सिर्फ चाय पीते हैं, 37 लोग हमारे सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, 52 लोग सिर्फ हमारे चाय पीते हैं, और 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों के दोनों पीते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लो ये पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेवन इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, एक ग्रुप है 65 पीपल्स का, जिसमें से 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या दे रखा है, पहले आपको क्रिकेट और टेनिस के लिए मान लेते हैं, क्या हो गया फोन को, अच्छा देखते हैं पहले, लेट सी बी द, क्या था आपका, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस, क्या बोला है आपसे, अच्छा लेट सी बी द, क्या पीपल लाइक क्रिकेट, हमने क्या मान लिया, सी जो है सी को हमने मान लिया जो पीपल लाइक क्रिकेट, उस ग्रुप को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है। फिर लेट टी बी द पीपल लाइक टेनिस, हमने सी मान लिया जो भी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, और टी मान लिया हमने पीपल जो टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, अब देख क्या कह रखा है, पहले ये देखो 65 लोग दे रखे हैं, यानी कि कोई दोनों पक्का कोई ना कोई क्रिकेट या फिर टेनिस या फिर दोनों के दोनों सारे बंदे खेल रहे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी हमें दे रखा है, 65 बंदों का ग्रुप है, 65 बंदे, उसमें से 40 लाइक क्रिकेट, यानी कि नंबर ऑफ सी हमें 40 दे रखा है, उसके बाद टेनिस का हमें कुछ बताया नहीं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यानी कि सी इंटरसेक्शन टी, बोथ का मतलब एंड आएगा, बोथ टेनिस एंड क्रिकेट है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कितने 10 पूछ रहा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, आपसे पूछ ही रहा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी कि जो टेनिस को सिर्फ पसंद करते हैं बट क्रिकेट को पसंद नहीं करते, उतने लोग आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो क्या होगा ये, ये तो मैंने आपको पहले बता रखा था, ये तो पहले से सीखते रहे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो पहले वाला है उसका एज इट इज माइनस कर दो, किसको, इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देते हैं, तो टी इंटरसेक्शन सी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अच्छा हमें ये निकालना है, ये हमारे पास गिवन है, बट हमारे पास नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस का मतलब हमारे पास दे नहीं रखा, सी है बट टी तो है ही नहीं, तो हम इन तीनों से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टी निकालेंगे, तो निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी कितना है, 65, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हमारा 40, प्लस में नंबर ऑफ टी यानी हमें निकालना है, माइनस में नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10, इधर ले जाओ ये आ गया आपका 75 माइनस 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी आपका कितना आ गया 35, ठीक है। अब यहाँ पर डाल दो तो क्या जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी हमारा कितना आ गया था 35, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी हमारा था 10, हमारा कितना आ गया 25, यानी कि 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं और टेनिस क्रिकेट को पसंद नहीं करते, ठीक है। कितने लोग मिले, 25 लोग, कैसे करा पहले हमने, ये हमसे पूछ रखा था जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं पर क्रिकेट नहीं, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पहला वाला हमारा एज इट इज और दूसरा वाला हमारा दोनों का इंटरसेक्शन, तो हमें टी की वैल्यू यहाँ पे मिली नहीं थी, इसकी हमें वैल्यू मिल रखी थी, तो टी की वैल्यू हमने इन तीनों रिलेशन से हमने टी की वैल्यू निकाली इस वाले रिलेशन से, फिर टी की वैल्यू हमारी आ गई, फिर हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया और हमें मिल गया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रब करते हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करें, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोल रहा है,
इंक खत्म हो गई शायद। क्वेश्चन नंबर एट में आपसे बोल रहा है, इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल्स, एक कमिटी है 50 लोगों की, इन अ कमिटी, अच्छा पता नहीं रखा कितने लोगों की है, एक कमिटी है जिसमें 50 लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो मान लेते हैं लेट एफ बी द पीपल स्पीक फ्रेंच। हमने मान लिया एफ क्या है, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या, ठीक है, 20 स्पीक स्पेनिश, तो मान लेते हैं लेट एस बी द पीपल स्पीक स्पेनिश। हमने मान लिया 20 है जो स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है, और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच कितना दे रखा है, एफ मान लिया था हमने, कितना बोल रखा है 50। नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश कितना बोल, स्पेनिश कितना बोलते हैं 20। अच्छा नंबर ऑफ पीपल हु दोनों भाषाएं बोलते हैं वो कितनी है, 10 है। नंबर ऑफ पीपल हु बोथ स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। पूछ कह रहा है आपसे हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, क्या पूछा आपसे, कम से कम इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलता हो, क्या बोल रहा है, कम से कम इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलता हो, कम से कम, यानी कि कम से कम एक लैंग्वेज का मतलब क्या है, या तो वो फ्रेंच बोलता हो, कम से कम एक हो गया, कम से कम एक बोला है, यानी कि वो अगर चाहे तो वो कम से कम एक बोले, या तो वो दोनों लैंग्वेज ही बोल सकता है, इसका मतलब या तो वो फ्रेंच बोल सकता है या फिर वो स्पेनिश बोल सकता है, कम से कम एक भाषा का मतलब यही है, यही हुआ ना। तो और का मतलब हमने क्या सीखा था, यूनियन, यानी कि हमें यूनियन निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन एस, वैल्यूज डाल दो, ये हमें निकालना ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 50 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 20 माइनस हमारा 10 कितना हो जाएगा 10 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन एस आके आ गया हमारा 60, यानी कि 60 पीपल्स आर स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, यानी कि 60 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम इन दोनों में से एक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज 60 पीपल ऐसे हैं, ठीक है। तो ये था कि आपका एक्सरसाइज 1.6। अब इसके बाद आपका मिसलिनियस, इसके बाद हम मिसलिनियस का लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है, तो पढ़ते रहें, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।